हमारे इस न्यू व्लॉग में। और आज है संध्या घाट और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। कपड़े निकाल लिए मैंने कि शाम को क्या पहनूंगी। और अभी तो खाना बना रहे हैं सबके लिए, राजमा और राजमा चावल गोभी की भुजिया ये सब बनाएंगे। राजमा चढ़ा दिया और यहाँ पे दूध उबाल रहे हैं, राजमा की सब्जी इधर चढ़ाई हुई है, इधर दूध उबाल रहे हैं और अभी जा रहे हैं गोभी का भुजिया काटने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं क्या कर रहे हैं, सुबह सुबह उठ के बंदूक चला। तो यहाँ पे राजमा की सब्जी चढ़ी है जो कि फ्राई हो रही है, यहाँ पे गोभी का भुजिया काट लिया है, इसको अभी धोने जा रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं खिलौने का भंडार लेके बैठा हुआ है, एक पैकेट लिया है खिलौना, खेल रहा है साथ में दादी के साथ। दादी के लिए पिज्जा बना रहा है ना वो मम्मी के लिए पिज्जा बना रहा है बुआ शिवू, दादी के लिए पिज्जा बना दो, पिज्जा बना दो। बनाएगा नहीं, अभी सुपरमैन से खेल रहा है, अभी पिज्जा नहीं बनाएगा। आप सभी को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हमारी तरफ से, वैसे पूजा ने गुड मॉर्निंग बोल दिया होगा, एंड बात ये है ना कि आज है छठ पूजा, तो आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज है सजिया अरक। और अभी देखो सुबह सुबह अभी हम है किचन में और अभी क्या हो रही, खाने की तैयारी हो रही है। और तो यहाँ देखिए तो मम्मी क्या बोलिए, कुछ छठ पूजा है, आपको पता होगा कि हम लोग क्या छठ पूजा नहीं हो रहा है क्योंकि खटका हो गया खटगारी में। जैसे हम लोग छठ पूजा के लिए आए थे बट एक बुजुर्ग दादी थी उनका देहांत हो गया है, जिसकी वजह से इस बार हमारा जो छठ पूजा है ना वो फिर से मेरा ससुराल में होने वाला है। और ये कई बार हो चुका है, ये तीसरा बार मुझे लग रहा है, मे बी हम दो बार तो वहाँ जाके मना चुके हैं, ये तीसरा बार होने वाला है, ये थर्ड टाइम है कि हम फिर वहीं जाके मनाएंगे। पांचवा साल शादी के हैं ना, और तीसरा साल हम शायद एक ही साल किए, दो साल तो तीन साल नहीं हुआ। बोली सब लोगों को छठ पूजा की हार्दिक आशीर्वाद दे दीजिए सभी लोगों को। होता है ना छठी मैया आप लोग का बरकत दे, आगे बढ़े। अच्छे से देख के कैमरा है बोलिए ना, बोलिए ना, आशीर्वाद की देते हैं जैसे आशीर्वाद की देते हैं सबको दीजिए, आशीर्वाद तो कोई प्रणाम करता है तो बोल देते हैं इसीलिए। सब लोग मानिए कि सारे जितना भी व्यूवर्स है ना वो आपको प्रणाम कर रहा है, प्रणाम आंटी, प्रणाम जिसका जो रिश्ता होगा मतलब जिस हिसाब से प्रणाम। तो आप सबको क्या बोलिएगा, खुश रहिए, ऐसे नहीं बोलिएगा, खुश रहिए और छठी मैया की कृपा बने रहे, आप लोग आगे बढ़िए, मेरे जो भी बच्चे हैं छोटे छोटे बोलिए ये सब, मम्मी बोलिए, कट नहीं होगा सब ऐसे ही आएगा। देखिए मम्मी भी शर्मा रही है और विदाउट कट को आपको देखने को मिलेगा, मम्मी ऐसे बोलेंगी कैमरा जैसे देख लेंगी तो मम्मी भूल जाएंगी सारा कुछ, मतलब नॉर्मल बातें भी नहीं होगा। आप लोगों को छठी मैया बनाए रखे, आगे बढ़ाए, मेरे बच्चे को भी आगे बढ़ाइए आप लोग। देखिए मम्मी बोल दी फाइनली। तो यहाँ भी बन रहा है भुजिया और शिवांश को लग गई है पोटी, चलो यार पोटी कराओ इसको, अब बिलीव नहीं करोगे मम्मी। बुआ तीन साल का हुआ तब से ना सुसु पोटी सब पैंट बंद कर दिया ना, मतलब शिवांश जब 3 साल का पूरा ना तब इसने फीडिंग करना बंद कर दिया दूध पीना, एंड इसके बाद सुसु पोटी, मतलब आप सोच लो ठंडा हो या गर्मी हो, मतलब अब कहीं ट्रैवल हो हम कभी भी डायपर यूज नहीं करते हैं अब। फैमिली तो सारा काम खत्म हो चुका है, खाना पीना बन चुका है, राजमा की सब्जी और भुजिया, दाल चावल रोटी सारा कुछ बन गया। यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा एकदम डिलीशियस सा राजमा, और यहाँ पे गोभी की भुजिया बन चुकी है और ख़त्म भी हो चुकी है, सभी लोग खा भी चुके हैं। अभी शिवांश के लिए जा रही हूँ खाना ले जाने के लिए, और इसमें चावल है रोटी है सब कुछ बन गया है, जल्द जल्दी से बेटू को खिला देते हैं, टाइम भी ज़्यादा हो गया है। फिर काम ये सब कंप्लीट करके तैयार होके फिर मायके भी जाना है क्योंकि वहाँ पे संध्या अर्घ होगा, तो वहीं पे घाट पे जाएंगे। वैसे कुछ भी छूना पूजा पाठ का सामान तो है ही नहीं, तो फिर देखते हैं आराम से जाएंगे जब मम्मी ये सब निकलने वाले होंगे घाट के लिए, तो फिर उसी टाइम जाएंगे।
तैयार हो गई, ये तो सूट हो गया। हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ब्लॉग में। और अभी टाइम हो रहे हैं दोपहर के दो, आई थिंक दो बज रहे होंगे या दो से ज़्यादा हो गए होंगे, टाइम देख ही लेते हैं क्या हो रहा है। 2:20 हो रहे हैं और इस टाइम फिलहाल हमारा लुक देख सकते हो। फाइनली पहले लुक देख लो, ये वाली जीन्स मैंने ना अपने शॉप से ली है। बहुत लोगों को पता होगा कि हमारे लालगंज में हमारा शॉप है। एंड कैसे लग रहे हैं कमेंट करके बताइएगा लुक। ये बोला ना काफ़ी अभी फैशन में चला हुआ है इस टाइप का जीन्स, फर्स्ट टाइम पहना है, अच्छा लग रहा है बट थोड़ा सा ऑड भी लग रहा है। और ऊपर ब्लैक नीचे वाइट सूट। और अभी फिलहाल क्या सीन, आपको पता ही है कि छठ हमारा हो नहीं रहा है, तो हम जाने वाले हैं ससुराल वहीं पे छठ मनाने के लिए। हाँ, ये मोटा ही है थोड़ा सा। तो चलो जी अब हम चलते हैं। क्या हुआ? नहीं, हम तो दो भोरवा में जब जाएंगे ना तो हम ट्रैक सूट जो है वो पहन के वो निकल जाएंगे। हम तो फिर आ जाएंगे ना वहाँ से, नया है ना ट्रैक सूट मेरा। पूजा कितना टाइम लगेगा? बस हो गया, चलो आजा आजा ऊपर आजा 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 इधर अंदर आजा। दादी को बाय कर दो। बाय बाय दादी। देखे मुंह देखे बाबू दादी के छोड़ के जा रहा लगाए में कौआ। दादी के छोड़ के जा रहा है। बाय बाय कर दो। बाय बाय। तो अभी हम लोग घर से निकल रहे हैं। टाइम कितना हो रहा है? हे फैमिली, तो हम लोग घर से निकल चुके हैं संध्या घाट जाने के लिए और सभी का कॉल आ रहा था तो जल्दी जल्दी आज निकल गए और जल्दी जल्दी सारे कपड़े लिए निकल गए। बस सब कुछ तैयारी हो रहा है, अभी दौड़ा मम्मी से जा रही होगी घाट पे जाने के लिए। अब चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं संध्या घाट। और वैसे हम लोग यहाँ पे निकल रहे थे ना, तो हम लोगों ने जहाँ पे हम यहाँ मेरे ससुराल में जहाँ पे पूजा होती है वहाँ वाला घाट भी देखा था, बहुत अच्छे से सजा हुआ था। लेकिन हम लोगों को करना ही नहीं है तो फिर क्या चाहिए बेटा? क्या चाहिए? खाना वाला कुछ गोल गोल वाला जो खा रहा था ना भिंडी। हाँ चलो ना स्नैक्स खिलाएंगे। चलिए हाँ नानी पास स्नैक्स खिलाएंगे, बउआ को पानी भी पिलाएंगे। आज दादी चोटी बांधती है बउआ का, हम बांधते हैं ना तो वो चोटी चोटी वाला कर देते हैं। आज मम्मी बांधती है गोल गोल जूड़ा जूड़ा बना दिया मम्मी। हे फैमिली, तो अभी हम लोग गंगा जी के लिए निकलने वाले हैं। हाँ चलो ना सब आ जाओगे। मम्मी मम्मी की तो भाभी की मोटरसाइकिल से जाने का मन करता है। भाभी रहती अभी बोलती कि नहीं हम मोटरसाइकिल से जाएंगे। चलिए चलते हैं हम सभी लोग एकदम तैयार होके। तो ये रहा हमारा प्यारा सा गांव। हाँ प्यारा सा गांव होता ही कम होता है। हाँ तो हम लोग छठ घाट पहुंच चुके हैं और मेरे घर से दूरी ना यहाँ की 1 से 1.5 किलोमीटर होगी शायद। तो हम लोग चले आए हैं और कार उधर ही पार्क कर दिया है। और यहाँ पे देख सकते हैं सभी जो भी लेडीज थे छठ व्रत करने वाले सभी लोग खड़े हो गए हैं पानी में अर्घ देने के लिए। और सारा दौरा से सूप निकाल निकाल के ऐसे सजा दिया जाता है, बहुत ही प्यारा लगता है कि अर्घ दिवाने में आसानी होती है। और देख सकते हैं गंगा जी का पानी और सूर्य देवता कितने अच्छे लग रहे, कितना प्यारा व्यू आ रहा है, बहुत ही सुंदर। और थोड़ी देर में जब सूर्यास्त होते टाइम रहता है ना, एकदम जैसे सूर्य का रोशनी एकदम धीमा हो जाता है,
तब जाके अर्घ देने की बारी आ जाती है। अभी सभी लोग बहुत देर तक पानी में ऐसे ही खड़े रहते हैं और भगवान जी का ध्यान लगाते रहते हैं। और बहुत ही ये व्रत ना बहुत ही ज़्यादा मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि जो भी है ना बिहारी जो भी हैं उनके लिए ये पर्व ना महापर्व होता है, उनके लिए मतलब एक दिल से जुड़ा हुआ व्रत नहीं होता पर्व, वो होता है। अच्छी चीजें देखने के लिए हमारे कभी तो डालता नहीं है हमारे चैनल पे, आपको बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग कभी तो ब्लॉग डालता नहीं है। अभी देख सकते हैं सभी लोग पानी में खड़े, कितनी बहुत ज्यादा सब लोग खड़े हैं। और जब तक तो अभी पूजा संपन्न हो गया और सभी लोग दौरा लेके जा चुके हैं। और यहाँ पे शिवांश क्या कह रहा है, स्विमिंग पूल में जाना है, ये गंगा जी है, क्या है, गंगा जी है, गंगा जी नहीं नहीं करना है, पापा को कह रहा था नहीं नहीं करेंगे। अर्घ हो चुका है संपन्न और अब हाथी बैठने वाला है और मम्मी और दीदी ऐसे रंगोली बना रहे हैं, मैं तो कुछ कर भी नहीं सकती, कोई भी हेल्प नहीं कर सकती रंगोली बनाने में, ना ही कुछ भी छू नहीं सकती। इस बार मुझे बहुत ज़्यादा दुख है इस बात का। अभी हाथी बैठेगा ना और दिया जलेगा ना तो बहुत ही प्यारा लगता है। और यहाँ पे मेरे घर पे ना हर साल हाथी बैठता है तो बहुत ही सुंदर लगता है। तो अभी का नज़ारा देखिए कितना प्यारा लग रहा है, हाथी बैठ चुका है और दिया जल रहा है, इतना प्यारा लग रहा है। मैं इस बार हूँ यहाँ पे, लेकिन क्या होता है ना सभी लोग तेल डालते हैं हाथी में, लेकिन ये भी नहीं कर सकती, पर कोई बात नहीं, देख के ही काम चला रहे हैं और ऐसे ही बस छठी मैया का आशीर्वाद बना रहे हैं हम सब पे। तो सभी लोग आ रहे हैं और हाथी यहाँ पे हमारा प्यारा सा सजा हुआ है, उसमें सभी लोग आ रहे हैं और तेल रख रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा होता है ना कि सबको न्योता दिया जाता है हाथी देखने के लिए, उसमें तेल डालने के लिए, तो सभी लोग एक दूसरे के घर जाते हैं और तेल डालते हैं हाथी पे, जो भी दिया रहता है उसमें बना हुआ उसमें। तो ऐसा होता है, सब जगह ऐसा नहीं होता है, जैसे मेरे ससुराल में सब जगह का अलग अलग नियम होता है, कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं, तो मेरे ससुराल में ऐसा नहीं होता है हाथी, सब लोग अपने अपने बैठाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है कि सभी एक दूसरे के घर जाते हैं तेल डालते हैं ऐसे। और बस पूजा पाठ ऐसे चल रहा है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती। और पतिदेव अभी गए हुए हैं, अभी पतिदेव है नहीं, थोड़ी देर कहीं गए हुए हैं वो भैया के साथ घूमने ऐसे। तो अभी शिवांश के लिए नाना जी क्या लेके आए हैं, इतना सारा। तो अभी मम्मी दादी सारे लोग ना गाना गा रहे हैं छठ का गीत, और यहाँ पे बस दिया जल रहा है। शिवू इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, हिलाओ हिलाओ, इधर दिखाओ, बस खत्म हो गया। ये तो दादी नहीं जल रहा है।